दोबारा से पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। तो यहाँ पर नेहा क्या कहती है, आई विल कम टू, शी सेड सेकंडली, इट वॉज बेटर देन फेसिंग अ वेंजफुल घोस्ट अलोन, द गर्ल्स क्रैप्ड टू द बंगलो होल्डिंग ईच अदर्स हैंड व्हेन रीना ओपन द रस्टिक गेट इट क्रीग। तो क्या है कि वो वहाँ कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और यहाँ पर अकेले बैठ कर मरने से अच्छा है कि वो वेंजफुल घोस्ट के पास चली जाए, मैं उस घोस्ट के पास चली जाए। तो यहाँ पर वो दोनों जाते हैं घिसटते हुए, क्रैप्ट मतलब घिसटते हुए इस गेट की तरफ जाते हैं, और दोनों ने एक दूसरे को हाथ बिल्कुल टाइटली पकड़ा हुआ है। तभी रीना जो है वो रस्टी गेट को ओपन करती है और वो क्रीक्ड का मीनिंग होता है कि जब हम किसी भूतिया बंगले में जाते हैं ना, तो उसकी आवाज़ कहती होती है करके जो आवाज़ होती है ना, उसे कहते हैं क्रीक्ड। तो वो जो आवाज़ है उसी को कहते हैं क्रीक्ड। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ। In the second paragraph, it's coming from there. क्या है? It's coming from there, said Reena, कि वो वहाँ से आ रहे हैं। Pointing to the courtyard, वो courtyard की तरफ क्या करती है? इशारा करती है। Pointing मतलब इशारा करती है। She ran with Neha close behind her. अब वो क्या है? वो नेहा की तरफ जाती है। She ran with Neha, नेहा के साथ भागती है। Close behind her, उसके पीछे पीछे। When they reach the courtyard, और वो जब courtyard की तरफ पहुंच जाते हैं, courtyard तक पहुंच जाते हैं, they found a black cat lying next to a dark shape on the floor. और वो क्या देखते हैं कि वो एक black cat की जो परछाई होती है, dark shape होती है, dark shape मतलब परछाई, वो परछाई देखते हैं वो floor पर, फर्श पर। The shape had three heads. और जो shape है ना, उसके तीन सर होते हैं। वहां पर क्या notice करते हैं? एक कैट है और उस कैट के वो लोग तीन सर देखते हैं, तो वो उस चीज को देखकर वैसे ही डर जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जरा टाइम ओवर हो जाएगा, मैं आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर टाइम बचेगा, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, नेहा स्क्रीम्ड, घोस्ट घोस्ट आई एम गोइंग टू डाई। तो नेहा चिल्लाती है जोर जोर से, स्क्रीम्ड मतलब होता है चिल्लाना, नेहा चिल्लाती है जोर जोर से, भूत भूत आई एम गोइंग टू डाई, कि मैं मर जाऊंगी, मैं मरने वाली हूँ। फिर वो क्या होती है, दीदी प्लीज डोंट शाउट, सेड अ वॉइस। और तभी एक आवाज होती है जो उनको शांत रहने के लिए बोलती है, क्या बोलती है, कि शांत हो जाओ दीदी, के शोर मत मचाओ। नेहा स्टॉप्ड सरप्राइज्ड, व्हाई वाज द घोस्ट कॉलिंग हर दीदी। तो यहाँ पर वो हैरान हो जाती है, भूत उसे दीदी क्यों बोल रहा है। टू हर अमेजमेंट द डार्क शेप ऑन द फ्लोर गॉट अप, इट हैड मैनी लेग्स एंड मैनी हैंड्स। और वो देखते हैं हैरानी से, जब देखते हैं तो क्या है कि डार्क शेप ना फ्लोर से खड़ी हो जाती है, जो डार्क शेप का परछाई है वो खड़ी रूप में दिखाई देती है उन्हें। अब वो क्या कहते हैं कि उनके बहुत सारे सर हैं और बहुत सारे उनके पैर और हाथ हैं। रीना शोन हर टॉर्च राइट एट इट, और रीना जो है उस पर टॉर्च मारती है। एंड द टू गर्ल्स सॉ दैट द शेप वॉज एक्चुअली थ्री चिल्ड्रन हु हैड बीन लाइंग ऑन द ग्राउंड अंडर अ शीट, टू यंग बॉयज एंड अ स्लाइटली ओल्डर गर्ल। तो क्या देखते हैं कि वो वहां तो आखिरकार तीन बच्चे होते हैं, ठीक है, जो कि फर्श पर लेटे हुए हैं, और इन्होंने एक चादर जो है, एक शीट जो है वो अपने ऊपर डाली हुई है, एक ओढ़ी हुई है वो शीट। तो उसमें कौन है, दो छोटे लड़के हैं और एक ओल्डर, एक बड़ी लड़की है। तो हकलाते हुए क्या कहती है, हु आर यू, आस्क नेहा एट लास्ट। और नेहा क्या पूछती है कि तुम कौन हो। We are rag pickers. Rag pickers, rag pickers मतलब होता है जो कबाड़े उठाने वाले बच्चे होते हैं ना, जो कबाड़ा उठाते हैं, पीछे एक बैग टांगे होते हैं, उन्हें rag pickers कहते हैं। Said one of the young boys. तो उनमें से एक बच्चा क्या कहता है कि हम rag pickers हैं, मींस कबाड़ा उठाने वाले बच्चे हैं। Where do you live? Asked Reena. और रीना उनसे क्या पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। On the streets. वो बच्चे क्या कहते हैं कि हम गलियों में रहते हैं, उनका कोई घर नहीं था, वो लोग कहाँ रहते थे, गलियों में। सेड द अदर बॉय, दूसरा लड़का कहता है कि हम गलियों में रहते हैं। द गर्ल स्टेयर्ड एट नेहा एंड देन सडनली सेड, अब वो जो लड़की है वो नेहा को देखती रहती है और अचानक कहती है, आर यू गोइंग टू कॉल द पुलिस, कि क्या आप पुलिस को बुलाओगे, क्योंकि वो एक दूसरे इंसान के घर में रह रहे थे जो इनका खुद का घर नहीं था। तो वो बच्चा क्या कहता है, वो जो लड़की है, कि क्या आप पुलिस को बुलाओगे हमें पकड़ने के लिए। तो नेहा शूक हर हैड, और नेहा अपना सर है, शूक मतलब मैंने बताया था शूक शेक शेकन, यही था, ये शेक शूक शेकन था, शेक शूक शेकन, तो सेकंड फॉर्म है शूक, सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे। तो नेहा जो है वो अपने सर हिलाती है, उसके बाद क्या कहती है, ऑफ कोर्स नॉट, कि बिल्कुल नहीं, शी सेड, बट प्लीज टेल मी व्हाट यू आर डूइंग हियर, पर मुझे तुम कम से कम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
She felt something soft rubbing against her leg and jumped. It was just the cat. और वो क्या देखती है कि उसके पैरों में ना जो फील करती है कि कुछ उसे सॉफ्ट सॉफ्ट चीज फील हो रही है और वो देखती है अपने पैरों की तरफ, वो तो सिर्फ एक क्या थी, एक कैट थी, क्योंकि जो कैट की फर होती है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है. Poor thing, I think its heart, said the girl. It was screeching and I was just comforting it when you came. So that's where the wailing came from, smiled Reena. तो वहां पर वो क्या है, उस कैट को कहते हैं कि हमें इसे कंफर्ट कर कंफर्टिंग कराने की कोशिश करते हैं, कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं. तो नेक्स्ट पे क्या है देखिए, तो इसीलिए रीना क्या कहती है, हंसते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो इसीलिए बंगलों से इतनी आवाजें आ रही थी. द थ्री चिल्ड्रन टोल्ड द गर्ल्स दैट दे हैड नो होम और पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ देम. तो क्या कहते हैं, द थ्री चिल्ड्रन टोल्ड द गर्ल्स, वो जो तीन बच्चे हैं ना, वो बच्चे उन लड़कियों से कहते हैं दे हैड नो होम, कि उनके पास कोई घर नहीं है और पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ देम, और उनके माँ बाप भी, उनके जो माता पिता हैं वो भी नहीं है, मीन्स वो कबाड़ा उठाते हैं, गलियों में रहते हैं, उनके माँ बाप नहीं है. दे वर्कड एज रैग पिकर्स एंड लिव्ड ऑन द लिटिल मनी दे अर्न. और वो रैग पिकर्स है, रैग पिकर्स का मैंने आपको मीनिंग बताया, जो कबाड़ा उठाने वाले बच्चे होते हैं उनको रैग पिकर्स कहते हैं, और वो एक बहुत ही कम पैसों में अपना गुजारा करते हैं जो कि वो कबाड़ा बेचकर कमाते हैं. एवर सिंस विंटर सेट इन द स्ट्रीट्स हैड बिकम टू कोल्ड फॉर देम टू स्लिप. और वो क्या कहते हैं कि जब सर्दियां आती हैं तो हमारा जो गलियां होती है ना वो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है और उनमें सोने के लायक वो गलियां नहीं रहती हैं. वन डे दिस दे डिस्कवर्ड द अबंडेंट बंगलो एंड डिसाइडेड टू लीव देयर. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला कि एक दिन हमने नोटिस किया कि इस बंगलो में, अबेंडेंट मतलब होता है त्यागा हुआ, मीन्स किसी ने छोड़ रखा है, अबेंडेंट मतलब होता है त्यागा हुआ, कि एक दिन हमने ये बंगलो देखा और हमने नोटिस किया कि इस बंगलो में कोई रहता नहीं है. हाँ, तो हमने डिसाइड किया कि हम किसी बंगले में रहना स्टार्ट कर देते हैं. आई हैव सीन यू स्टेयरिंग एट द बंगलो मैनी टाइम्स दीदी. और वो क्या कहती है कि दीदी मैंने कई बार नोटिस किया है आपको इस बंगले को स्टेयर करते हुए, स्टेयरिंग मतलब होता है घूरते हुए, स्टेयर मतलब घूरते हुए. सेड वन ऑफ द यंग बॉयज, वी वर सो स्केयर्ड ऑफ यू, वी थॉट यू हैड रिपोर्ट अस टू द पुलिस. और वो क्या कहता है कि हम आपसे जब आप हमको घूरती थी तो हम लोग बहुत डर जाते थे और हम ये सोचते थे कि कहीं आप पुलिस को ना बुला लो, कहीं आप पुलिस को बुलाओगे और हमें पुलिस के हवाले ना कर दो, तो हमें आपसे बहुत डर लगता था. नेहा स्माइल्ड, आई टू वॉज स्केयर्ड ऑफ यू, शी सेड, बट द थ्री ऑफ यू आर लॉट ब्रेवर देन आई एम, आई हैव एन आइडिया. नेहा स्माइल कर दिया, थोड़ा सा मुस्कुराती है और क्या कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा डरती थी, क्योंकि वो ये सोचती थी कि वो तीन बच्चे नहीं है, उसे तो ऐसा लगता था कि उस बंगले में घोस्ट है, भूत है उस बंगले में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो कहती है कि मुझे भी तुमसे बहुत डर लगता था, और उन बच्चों को वो क्या कहती है, तुम लोग मुझसे भी बहुत ज्यादा ब्रेव हो, बहुत ज्यादा मुझसे ज्यादा तुम बहादुर बच्चे हो. द थ्री चिल्ड्रन लोडेड, और तीन बच्चे जो है वो अपना सर हिलाते हैं. कम टू माई हाउस टुमारो इवनिंग, और वो क्या कहते हैं, नेहा क्या कहती है कि तुम कल शाम को मेरे घर आना, देयर इज समवन आई हैड लाइक यू टू मीट, और मैं वहां तुमसे किसी को मिलवाना चाहती हूँ. रीना एंड नेहा सेड गुड बाय टू द चिल्ड्रन आफ्टर प्रॉमिसिंग टू सी देम द नेक्स्ट डे. और रीना और नेहा वहां से चली जाती हैं उन बच्चों को प्रॉमिस करने के बाद कि वो अगले दिन वहां पर उनसे मिलने जरूर आएंगी, उनसे जरूर मिलेंगी, उनसे ये वादा करके वहां से जाती हैं. व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू, आस्क रीना. और रीना नेहा से पूछती है कि तुम्हारी क्या प्लानिंग है आगे, तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या करना चाहती हो. वन ऑफ माई आर्ट्स रन एन एनजीओ, कि मेरी एक आंट है वो एक एनजीओ चलाती हैं. एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. एनजीओ मतलब होता है कि मीन्स वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, और उन्हें जो थोड़ा पैसा होता है वो गवर्नमेंट देती है और थोड़ा पैसा वो इधर उधर से फंड से इकट्ठा करते हैं. तो वो गरीब लोगों के लिए और जिन लोगों लोग परेशान हैं उनकी हेल्प करते हैं एनजीओ. फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू आस्क हर टू टेक केयर ऑफ दीज किड्स, सेड नेहा. नेहा कहते हैं कि मैंने उनसे बात की है अपनी आंट से और वो इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए रेडी है. शी विल पुट देम इन अ सेफ होम एंड सेंड देम टू स्कूल. और मेरी आंट जो है वो इन्हें एक अच्छा घर देंगी, एक सेफ होम देंगी और वो इन्हें स्कूल भी भेजेंगी. दैट्स ग्रेट, एक्सक्लेम्ड रीना. रीना क्या कहती है कि बहुत अच्छी बात है. ओ नो,
The torch has run out of the batteries. वो क्या कहते हैं कि oh no, the torch, जो torch की battery थी ना वो खराब हो चुकी है. Why do we need a torch? अनया क्या कहती है कि अब हमें torch की क्या जरूरत है? Marching into the dark road with her head held high. और वो क्या कहती है कि अब हमें torch की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस time जो नेहा का डर है वो खत्म हो चुका है और वो एक अंधेरी रोड पर बिल्कुल ऐसे ही चलते जा रहे हैं दोनों. और अपना बिल्कुल जो सर है ना वो उन्होंने हेल्ड हाई, मतलब कि अपना जो सर है वो प्राउड से गर्व से ऊपर रखा हुआ है कि वो अब एक तीन बच्चों की ना जिंदगी संवारने वाले हैं, तीन बच्चों के साथ कुछ अच्छा होने वाला है. तो इट इज योर चैप्टर, ये आपका चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव द हॉन्टेड बंगलो, जिसको एक भूतिया बंगला समझा जा रहा था. आखिरकार एक भूतिया बंगला नहीं था, उसमें तो तीन बच्चे शरण ले रखी थी, तीन बच्चे वहां रह रहे थे अपनी जिंदगी बिताने के लिए. ठीक है, तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर था ये. और मुझे लगता है कि मैंने इसको जितना एंजॉय किया ना, शायद आपने भी इसे उतना ही एंजॉय किया होगा.